जी हाँ नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी ऑन चैनल के एक नए वीडियो पर। आज मैं आपको इस वीडियो में अंडानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात करने वाला। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊँ, यदि आपके पास अंडानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो तो आप कैसे अपने अंडानी इलेक्ट्रिसिटी में अपना मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हो। गलती से आप अपने अंडानी इलेक्ट्रिसिटी में यदि मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज कर सकते हो मोबाइल नंबर, इस वीडियो में बताऊँगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अपने मोबाइल को क्रोम को ओपन कीजिएगा। जो आपके मोबाइल में जो ब्राउजर है वो सिंपल इसको ओपन कीजिएगा। जैसे कि मैं मोबाइल में क्रोम है तो मैं डायरेक्ट क्रोम को ओपन करता हूँ। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको सिंपल इस तरह से बार पर आपको टाइप करना है अंडानी इलेक्ट्रिसिटी। टाइप करके सिंपल से कुछ सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से फर्स्ट वेबसाइट आपको मिलेगा। सिंपल से आप क्लिक कर दीजिएगा फर्स्ट वेबसाइट को। इसके बाद कुछ इस प्रकार से ये पेज लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद सिंपल से आपको आपके मोबाइल पे मोबाइल के कॉर्नर पर आपको तीन डॉट मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तीन डॉट को क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ लोडिंग होगा। इसके बाद आपको कंप्यूटर की जैसा ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको आपके आप इसको यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर यदि आप अकाउंट ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी में पहले अकाउंट बनाए तो सिंपल यूजर नेम पासवर्ड डालकर आप इसको लॉगिन कर सकते हो। यदि आप न्यू अकाउंट बना रहे हो तो सिंपल रजिस्टर नाम का ऑप्शन को मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपसे अकाउंट नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंड मीटर नंबर यहाँ पर डालकर सिंपल से आई एम नॉट लॉग्ड को ओके करके इसके बाद वेरीडेट अकाउंट को क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें आपको एक ओटीपी मिलेगा। ओटीपी यहाँ पर आप टाइप कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर लेके जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप उसमें पासवर्ड कौन सा रखने वाले, आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। पासवर्ड यहाँ पर आप डालकर इसको सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैं अपना अकाउंट पहले ही बना चुका हूँ। इसके लिए मैं अपना अकाउंट नहीं बना सकता, सिंपल से मैं बैक होता हूँ। इसके बाद आपको अकाउंट बनाने के बाद जो आप अपना यूजर नेम यहाँ पर डाले होंगे यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। पासवर्ड जो होगा इसको टाइप करके सिंपल सिंग के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मैं करके बताता हूँ कुछ, जैसे कि मैं यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद सिंपल इसको सिंग के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। सिंग इन के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद कुछ लोडिंग होगा। फिर आपको कुछ इस प्रकार से आपको मोबाइल में ओपन होगा। सिंपल सा यहाँ पर जो आपको मोबाइल नंबर लिंक होगा इसको आप क्लिक कर इसको आप चेंज कर दीजिएगा। जो आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हो वह नंबर आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद कुछ लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद जो आप मोबाइल नंबर अभी यहाँ पर टाइप कर किए थे आपके इस नंबर पर एक ओटीपी आएगा। सिंपल से ओटीपी को आप इसको यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। जैसे कि मैं ओटीपी टाइप करने के बाद सिंपल से वैलिडेट ओटीपी को क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये मेरा यहाँ पर प्रोफाइल वाइज सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट हो चुका है। नहीं तो आपका मोबाइल नंबर पिन जो आपको नेक्स्ट बिल पर आपको ये मिलेगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी ऐड होकर आपको दिखाई देगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।